संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के शुरुआत के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। वैसे तो राष्ट्रपति का अभिभाषण महज एक औपचारिकता माना जाता है, लेकिन इस अभिभाषण में राष्ट्रपति आने वाले समय के लिए सरकार का एजेंडा पेश करते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी दो स्थितियों का जिक्र किया गया है, जब राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। पहला, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर, और दूसरा, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं तो इसमें सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले 5 सालों की योजनाओं का अनिवार्य रूप से उल्लेख होता है। अभिभाषण सरकार के एजेंडा और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस बार राष्ट्रपति ने लगभग 74 मिनट के संबोधन में सरकार के विजन और देश में बीते 10 सालों की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया। वैसे तो राष्ट्रपति द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें कही गईं, लेकिन इनमें से 10 सबसे महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालें तो वो इस प्रकार हैं। नई संसद भवन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत, नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई, भारत में G20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन, देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1 लाख के आंकड़े से भी आगे निकली, देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई, पहली बार कृषि निर्यात की नीति बनाई गई, सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा का जवाब दिया। यहां आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 82 के क्लॉज 2 के तहत संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके धन्यवाद प्रस्ताव को पास करने की परंपरा रही है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सरकार की नीतियों के प्रति सहमति माना जाता है। अगर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।